कल हमने समझा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कल हमने समझा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक टेंडेंसी, एक प्रॉपर्टी। कैसी प्रॉपर्टी? टू अपोज क्या? चेंज इन स्टेट ऑफ रोटेशनल मोशन। चेंज इन स्टेट ऑफ रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में चेंज को अपोज करने की टेंडेंसी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और हम इसे कैसे फाइंड करेंगे? मास पे भी डिपेंड है, ये डिस्टेंस रेडियस पर भी डिपेंड है। तो एम आर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट हो गई। ठीक है जी, ये किसके लिए है? ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है फॉर पॉइंट मास, पॉइंट मास के लिए। यानी एक ऐसा पार्टिकल जिसका साइज केवल ये है, ये भी मैं मुझसे बड़ा बन गया, इससे भी छोटा, एक ऐसा पार्टिकल जिसका साइज बस इतना है, दिख रहा होगा, शायद आपको दिख भी नहीं रहा होगा मोबाइल स्क्रीन पर, इतना सा पार्टिकल है। उस पार्टिकल के लिए तो ये फार्मूला, इस पार्टिकल के लिए तो ये फार्मूला काम में आ जाएगा। लेकिन अगर कोई आपके पास ऑब्जेक्ट है, एक्सटेंडेड लार्ज ऑब्जेक्ट है, ऐसा ऐसा शेप का ऑब्जेक्ट है, तो अब क्या करेंगे? अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड करेंगे? बहुत ध्यान से देखिएगा। तो अब अगर कोई एक्सटेंडेड बॉडी है, इररेगुलर शेप की बॉडी है, बड़ी बॉडी है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड करेंगे? एक्चुअली इस बॉडी से ही हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कंसेप्ट निकाल के लाते हैं। तो अब हम कर रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन इन रोटेशनल मैकेनिक्स। बहुत ध्यान से समझना, सिंपल सी फिनोमिनन है और इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आगे बार बार पूरे लेसन में यूज करेंगे। हालांकि ये लेसन आपका बहुत छोटा हो गया इस बार, इस बार काफी लेसन ये कट चुका है, काफी लेसन ये कट चुका है, छोटा हो गया लेसन तो। लेकिन फिर भी जितना भी है उसे भी आपको समझना पड़ेगा। एक ही बॉडी है, एक इरेगुलर शेप की बॉडी है, इरेगुलर शेप की बॉडी है, और ये एक एक्सिस है। ये एक्सिस जो इस बॉडी के पॉइंट, किसी भी एक पॉइंट से पास हो रही है, ठीक है, सिंपल सी बात है। ये रही आपकी बॉडी, इरेगुलर शेप की बॉडी है, इरेगुलर शेप की बॉडी, और एक एक्सिस है जो इस बॉडी के थ्रू पास हो रही है, ठीक है, एक एक्सिस है जो इस बॉडी के थ्रू पास हो रही है, कहीं बीचों बीच से नहीं बल्कि कहीं से अलग से, ये यहां से पास हो रही है एक्सिस, और ये बॉडी इस एक्सिस के अबाउट रोटेशनल मोशन में है। ये पूरी बॉडी इस एक्सिस के अबाउट रोटेशनल मोशन में है, कॉन्स्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा से। ये ऐसे, तो हमने डायग्राम को कैसे बनाया? ऐसे बनाया हुआ डायग्राम को, तो ये हिस्सा हम दिखाते हैं, ये वाला हिस्सा अपनी एक्सिस का दिखाते हैं कंटिन्यूअस, और फिर जो नीचे दब गया, पीछे चला गया, उसे हम दिखाते हैं डॉटेड, और जो बाहर निकल गई एक्सिस, ये फिर कंटिन्यूअस दिखाते हैं। ये है। मतलब यहां से बॉडी के अंदर एंटर किया एक्सिस ने, फिर ये बॉडी के पीछे छुपी हुई, और ये बाहर निकल कर आ गए, बिल्कुल ठीक जैसे ये इस टाइम बना हुआ है। उम्मीद है सबको दिखाई दे रहा है, सबको समझ आ रहा है। इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस का मैं नाम लिख रहा हूं ए बी, ए बी एक्सिस के अबाउट बॉडी रोटेट कर रही है कॉन्स्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा से, कॉन्स्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा से रोटेट कर रही है बॉडी। ये बॉडी का वो पॉइंट जिस पॉइंट से बॉडी ने, चलो इसका कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये पूरी बॉडी है, थ्री डायमेंशनल बॉडी है, ये थ्री डायमेंशनल बॉडी है, इट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स, बहुत सारे पार्टिकल्स से मिलकर के बना हुआ है पूरी बॉडी, बहुत सारे पार्टिकल्स से मिलकर बनी है। एक पार्टिकल ये है जिसका मास m1 है, और एक्सिस से इसकी रोटेशनल डिस्टेंस है r, r1। दूसरा पार्टिकल ये है जिसका मास है m2, और एक्सिस से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है r2। एक तीसरा पार्टिकल है जिसका मास है m3, और एक्सिस से इसकी डिस्टेंस है r3। और इस तरह बहुत ढेर सारे पार्टिकल, और बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, हम जिसमें सिर्फ तीन पार्टिकल को बना रहे हैं। अब ध्यान से समझिएगा कि ये m1 वाला पार्टिकल एक सर्किल पर घूम रहा है,
मैं सर्किल ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं, देखो तीन पार्टिकल के तीन सर्किल ड्रॉ करूंगा। ए, ये एम वन पार्टिकल का सर्किल है जो घूम रहा है, जिस सर्किल पर घूम रहा है। एम टू पार्टिकल का एक और इसका अपना सर्किल होगा कहीं, ये सर्किल इसका अपना एम टू पार्टिकल का है जिस सर्किल पर यह घूम रहा है, एम टू पार्टिकल का सर्किल है, इस सर्किल पर घूम रहा है रेड वाला पार्टिकल यहाँ। तीसरा मैंने बना नहीं रहा, डायग्राम कंजस्टेड हो जाएगा। तो जब सर्कुलर मोशन में है ये, तो इनमें वेलोसिटी है, और जब वेलोसिटी है इन पार्टिकल्स में तो काइनेटिक एनर्जी भी है। अब बहुत ध्यान से समझना, काइनेटिक एनर्जी, एक एक पार्टिकल की बात करते रहेंगे हम, काइनेटिक एनर्जी ऑफ, मैं लिख देता हूं फर्स्ट पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट पार्टिकल की कितनी होगी, एम वी वन स्क्वायर, एम वी वन स्क्वायर। लेकिन v इज इक्वल टू होता है r ओमेगा, सर्कुलर मोशन में आपने पढ़ लिया था। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल कितना हो गया, हाफ m ओमेगा स्क्वायर r वन स्क्वायर, ठीक है। फिर काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड पार्टिकल कितना होगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर आर टू स्क्वायर, सॉरी यहाँ एम वन और एम टू भी आएंगे क्योंकि फर्स्ट पार्टिकल का मास एम वन, सेकेंड पार्टिकल का मास एम टू, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिफरेंट पार्टिकल ये होती चली गई। देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी, पूरी की पूरी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कितना होगी, सिंपल सी बात है, बॉडी किससे मिलकर के बनी है, डिफरेंट पार्टिकल से मिलकर के बनी है। M1 पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी, M2 पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी, M3 पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी, और सपोज इस तरह से N पार्टिकल्स हैं, ये कितने पार्टिकल्स हैं, यहां N पार्टिकल्स हैं, N पार्टिकल्स हैं, तो फिर काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी कितनी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी पूरी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी प्लस सेकेंड पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी प्लस थर्ड पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी, और जोड़ते चले जाओ एन पार्टिकल, एनथ पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी तक। एनथ पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कितनी बनेगी, ओमेगा स्क्वायर भी तो है, हाफ एम एन ओमेगा, अच्छा 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 यहाँ ओमेगा स्क्वायर छोड़ दिया मैंने, यस सर, ओमेगा स्क्वायर आर एन स्क्वायर, ठीक है। ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी हो गई, विच इज इक्वल टू द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स। तो अब देखिए फिर से थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ इसमें, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी कुछ यहाँ कॉमन है ना, ओमेगा स्क्वायर सब में कॉमन है ना, तो हाफ भी कॉमन है, हाफ भी कॉमन है, चलो मैं हाफ यहाँ से आगे कॉमन ले लेता हूँ, ब्रैकेट के अंदर बचा एम वन आर वन स्क्वायर, एम टू आर टू स्क्वायर, और कहाँ तक, एम एन आर एन स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर यहाँ कॉमन आ गया है, ठीक है जी। हाफ एम वन आर वन स्क्वायर, एम टू आर टू स्क्वायर, एम एन आर एन स्क्वायर, इस पूरी की पूरी फिगर को, इस पूरी की पूरी फिगर को शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका है समेशन सिग्मा। किसका समेशन, किस किस को जोड़ रहे हैं, मास और रेडियस के स्क्वायर को, एम आर स्क्वायर, मास और रेडियस का मल्टीप्लाई करा, पहले रेडियस का स्क्वायर करा फिर मास से मल्टीप्लाई करा और उन सबको जोड़ दिया, ठीक है। कहां से कहां तक जोड़ा, पहले पार्टिकल से लेकर के nth पार्टिकल तक, तो हम लिखेंगे एम आई आर आई स्क्वायर, आई की वैल्यू वन से लेकर कितनी है, आई की वैल्यू एन, वन से लेकर एन है, बहुत ध्यान से समझना, इसमें मैंने कुछ भी नई बात नहीं लिखी है, यही सब कुछ है, लेकिन उसे हमने शॉर्ट में लिख दिया है, एम वन आर वन स्क्वायर, एम टू आर टू स्क्वायर प्लस एम थ्री आर टी, एम वन एम एन आर एन स्क्वायर। इस पूरे ब्रैकेट को, इतनी लंबी चौड़ी कहानी को मैंने छोटा सा करके लिख दिया सिंबल की फॉर्म में, सम है ये, समेशन है किसका, स्क्वायर ऑफ रेडियस मल्टीप्लाइड विद मास, कहां से,
फर्स्ट पार्टिकल से एन पार्टिकल के लिए, तो एम आई आर आई स्क्वायर, आई की वैल्यू वन से लेकर कहाँ तक है, एन तक है, और क्या बच गया, ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, एकदम से चेंज होने वाला है, एकदम से चेंज होने वाला है। लेट फ्रॉम आई इक्वल्स वन टू एन, ऊपर आई इक्वल्स टू नहीं लगाते, एम आई आर आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई। मैंने इस पूरे को हटा करके आई लिख रहा हूं, जबरदस्ती आई लिख रहा हूं, जबरदस्ती, फिर हमें इसे किसी से कंपेयर करने में आसानी हो जाएगी। देखना जरा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये कौन से मोशन की है, ये कौन से वाला मोशन है, रोटेशनल मोशन, कौन सा मोशन है, रोटेशनल मोशन है ये। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी का एक और भी तो फॉर्मूला होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, लेकिन ये कौन सा होता है, ये स्ट्रेट लाइन वाला मोशन होता है, लीनियर मोशन। ठीक है जी, ये स्ट्रेट लाइन वाली वेलोसिटी है, ये घूमने वाली वेलोसिटी है, ये लीनियर वेलोसिटी है, ये रोटेशनल वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी है। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती, हम पहले सर्कुलर मोशन में पढ़ चुके हैं, लीनियर वेलोसिटी के कंपेरेबल एंगुलर वेलोसिटी, हाफ के कंपेरेबल हाफ, काइनेटिक एनर्जी के कंपेरेबल काइनेटिक एनर्जी। तो फिर क्या हुआ, ये जो आई हमने यहां जबरदस्ती लगाया है, जो कुछ भी है ये, जो आई हमने यहां जबरदस्ती लगाया है, जो कुछ भी है ये रोटेशनल मोशन में वो ही काम कर रहा है, वैसा ही काम कर रहा है जैसे कि लीनियर मोशन में मास काम करता है। अभी हमने जबरदस्ती इसको हटाया था, इन सबको हटा करके हमने एक चीज आई लगा दी थी, अभी तो हम आई के बारे में बात करेंगे, लेकिन यहां से इस फॉर्मूले को बनाकर, इस फॉर्मूले को हमने एनालॉगी बनाई इसके साथ, इसकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इन लीनियर मोशन, तो पता लगा हाफ की जगह हाफ है, काइनेटिक एनर्जी की जगह काइनेटिक एनर्जी है, लीनियर मोशन में लीनियर वेलोसिटी है, रोटेशनल मोशन में सर एंगुलर वेलोसिटी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो काम लीनियर मोशन में मास कर रहा है, वही काम रोटेशनल मोशन में ये आई कर रहा है, जो कुछ भी है ये आई, जो भी है ये अला फला जो भी है ये वही काम कर रहा है जो काम लीनियर मोशन में मास ने किया था, वही काम कर रहा है रोटेशनल मोशन में। अच्छा, लीनियर मोशन में मास क्या था, लीनियर मोशन में मास क्या था, देखते कौन इसका आंसर दे पाता है। पहले आप अपने माइक ओपन करिए, ओपन रखिए, और फिर मैं जिससे पूछूं वो आंसर देना, जिसे मेरे क्वेश्चन का आंसर पता है वो सिर्फ अपना माइक ओपन करे, बोले ना, फिर जो माइक ओपन यहां हो जाएंगे उनमें से मैं एक एक से पूछता रहूंगा। तो मेरा सवाल यह है कि लीनियर मोशन में मास क्या होता है, मास क्या होता है लीनियर मोशन में, या मैकेनिक्स में मास क्या होता है। कौन कौन आंसर देने के लिए तैयार है, सुचित और प्रियांशु का माइक ओपन हुआ, वेरी गुड। किसी और का माइक ओपन हो रहा है क्या अभी, किसी का नहीं, किसी का नहीं, किसी का नहीं। बहुत ध्यान से सुन लेना, ये डराने वाली बात नहीं है, ये चेतावनी है, ये रियलिटी है, ये वास्तविकता है। जिसे आज इस समय रोटेशनल मोशन पढ़ते हुए नहीं पता कि लीनियर मोशन में मास क्या होता है, उसके लिए आगे फिजिक्स में कुछ भी नहीं है, उसे रोटेशनल मोशन समझ नहीं आएगा, वो केवल बैठ करके क्लास देख रहा है, ऐसे जैसे मैं सुबह को शाम को खाली समय में टॉम एंड जेरी देखा करता हूं। सवाल फिर से दोहरा रहा हूं कि लीनियर मोशन में, लीनियर मैकेनिक्स में मास क्या है, हर्षगिरी आप बता रहे हैं। सर मोमेंटम। ओके, माइक क्लोज कर दीजिए। आर्यवीर सिंह आप बता रहे हैं। इनर्शिया। आर्यवीर सिंह बता रहे हैं। इनर्शिया। इनर्शिया। ओके
माइक बंद कीजिए अपना। अनिरुद्ध शर्मा बता रहे हैं सर, क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल। अनिरुद्ध ने कहा क्वांटिटी ऑफ मटेरियल। ओके ओके वेरी नाइस। तानिया, तानिया का माइक अभी खुला। तानिया बताइए। सर इनर्शिया, इनर्शिया। तानिया ने बोला इनर्शिया। एक और माइक ओपन हुआ, समीर सैफी बताइए। सुचित प्रियांशु आपके पास लास्ट में आऊंगा। समीर सैफी जो सर आप मेरे सवाल को नहीं समझ पाए, रोटेशनल मोशन को भूल जाओ इस समय। मेरा सवाल यह है कि लीनियर मोशन में मास क्या है, लीनियर मैकेनिक्स में मास क्या है। चलिए कोई बात नहीं, समीर अपना माइक ऑफ कीजिए। सौरभ, सौरभ बता रहे हैं इनर्शिया। ओके ज्योति, आपका माइक खुला हुआ है, क्या आप फिर से बताना चाहती हैं या माइक ऑफ कीजिए अपना। इनर्शिया ऑफ बॉडी, इनर्शिया ऑफ बॉडी। सुचित एंड प्रियांशु आप पहले, सुचित आंसर देंगे। मेजर ऑफ इनर्शिया, मेजर ऑफ इनर्शिया। प्रियांश, सुचित ने आंसर दिया ना ये, प्रियांशु आप बताएं क्या है। सर मेजर ऑफ इनर्शिया, ये मेजर ऑफ इनर्शिया। सिर्फ और सिर्फ दो बच्चों ने बात बताई है, मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया इन मैकेनिक्स, इन लीनियर मोशन, इन लीनियर मैकेनिक्स। मास क्या है, मास इज नॉट इनर्शिया, मास इज नॉट इनर्शिया, मास इज द मेजर, मेजर ऑफ इनर्शिया। कितनी इनर्शिया है बॉडी में यह बताता है उसका मास। अब आ जाओ वापस अपने रोटेशनल मैकेनिक्स पर। तो जो काम लीनियर मोशन में मास कर रहा है वही काम रोटेशनल मोशन में ये आई कर रहा है। जो भी है ये आई, हमें नहीं पता क्या है आई, लेकिन जो भी है ये वही काम कर रहा है जो काम लीनियर मोशन में। तो इसका मतलब आई क्या होना चाहिए, आई क्या होना चाहिए। कोई आंसर दे पाएगा अब इसका? जो काम मोशन लीनियर मोशन में मास कर रहा है वही काम रोटेशनल मोशन में आई कर रहा है। तो आई क्या होना चाहिए यहाँ पर, आई कौन, ये सुचित और प्रियांशु बोल रहे हैं मेजर ऑफ इनर्शिया होना चाहिए। नहीं, मेजर ऑफ इनर्शिया तो आप पहले ही कह चुके हैं कि मास होता है द मोमेंट ऑफ, सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रोटेशनल इनर्शिया सर, रोटेशनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। कोई रोटेशनल वर्ड भी बोल रहा है। अनिरुद्ध आप शायद रोटेशनल बोल रहे हैं, आप बताइए अनिरुद्ध। मोमेंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रोटेशनल इनर्शिया, मेजर ऑफ रोटेशनल इनर्शिया। ओह राइट, लक्ष्य शर्मा की आवाज आई है, मोमेंट ऑफ रोटेशनल इनर्शिया, क्योंकि रोटेशनल मोशन की बात है ये। तो आई यहाँ क्या है, आई, आई हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग है, इक्विवेलेंट है, मतलब आई इन रोटेशनल मोशन, आई इन रोटेशनल मोशन इज सिमिलर टू, सिमिलर का साइन होता है ना, सिमिलर टू मास इन व्हाट, लीनियर मोशन। क्योंकि मास क्या है, मास क्या है, मेजर ऑफ लीनियर इनर्शिया। तो फिर आई क्या होना चाहिए, आई होना चाहिए आपका मेजर ऑफ रोटेशनल इनर्शिया, मास हेयर, आई, आई इज मेजर ऑफ रोटेशनल इनर्शिया। यहां से आई निकल कर आया रोटेशनल इनर्शिया, ठीक है। और रोटेशनल इनर्शिया जिसका नाम हम रखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अभी 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 चलो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्यों रखते हैं इसको भी बाद में समझेंगे हम। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये है कितना, किसी भी बॉडी में है कितना। अब इसी बॉडी की बात करें हम, इस बॉडी में कितना है रोटेशनल इनर्शिया, कितना है इसके अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। क्या अभी हमने कहा कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, बिल्कुल सिंपल सी बात है। आई इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन अपॉन ओमेगा स्क्वायर। If omega equals 1 radian per second, अगर omega 1 radian per second है ये, तो फिर I कितना है? Twice the kinetic energy। बढ़िया, सिंपल हो गया, बिल्कुल आसान बात हो गई। क्या
मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना कितना है, इसका इनर्शिया रोटेशनल इनर्शिया फाइंड करना है। तो क्या करूं भाई, इसे घुमा दूं, कितनी कितनी स्पीड पे इसे घुमा दे, इसे घुमा दे एग्जैक्टली 1 रेडियन पर सेकेंड की एंगुलर स्पीड पर, 1 रेडियन पर सेकेंड की एंगुलर स्पीड पर इसे घुमा दिया। अब जब ये 1 रेडियन पर सेकेंड की एंगुलर स्पीड पर घूम रहा है तो जितनी भी इसमें काइनेटिक एनर्जी है उस काइनेटिक एनर्जी का दुगना ही न्यूमेरिकली इक्वल है किसके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, किसके इक्वल है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। बात समझ आई यहां तक, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है बॉडी की जो अपोज करती है चेंज इन रोटेशनल मोशन। ये वही काम करता है रोटेशनल मोशन में जो काम करता है लीनियर मोशन में मास। लीनियर मोशन में मास क्या है, मेजर ऑफ इनर्शिया है, तो फिर रोटेशनल मोशन में आई क्या है, इट इज द मेजर ऑफ मोमेंट रोटेशनल इनर्शिया। कैसे पता लगाएंगे, जिस बॉडी को पता लगाना है, जिस एक्सिस के अबाउट पता लगाना है, सिंपल सी बात है, उसे 1 रेडियन पर सेकेंड पर घुमा दो। अब जितनी भी काइनेटिक एनर्जी है उसका दुगना ले लो, यही न्यूमेरिकल वैल्यू है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। एक बात और ध्यान रखना, ये बॉडी है इस एक्सिस के अबाउट घूम रही है, किस पर घूम रही है, ये घूम रही है अपने एक्सिस के अबाउट घूम रही है 1 रेडियन पर सेकेंड पर। लेकिन अगर मैं इसमें से एक्सिस बदल दूं, यहां लगा दूं एक्सिस, अगर मैं यहां लगा दूं एक्सिस तो क्या होगा, अब इसके इसमें देखना ये जो चीजें हैं सारी m1r1 square, m2r2 square, mnr square, सबकी रेडियस बदल जाएगी सारे पार्टिकल्स की, तो क्या होगा, अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बस यही डिफरेंस है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और मोमेंट और मास में, कि मास तो कभी नहीं बदलता, मास तो नहीं बदलता, मास विच इज द मेजर ऑफ लीनियर इनर्शिया ये नहीं बदलता कभी भी, लेकिन जो रोटेशनल इनर्शिया है ये बदल जाता है एक्सिस बदल देने पर। तो फिर हमें यहां वर्ड जोड़ना पड़ेगा, क्या वर्ड जोड़ना पड़ेगा, अबाउट द गिवन एक्सिस, अबाउट द गिवन एक्सिस। बात समझ आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू ट्वाइस द काइनेटिक एनर्जी व्हेन द बॉडी इज रोटेटिंग एट एन एंगुलर स्पीड ऑफ 1 रेडियन पर सेकेंड अबाउट द गिवन एक्सिस। ये जो पूंछ है, ये जो अबाउट द गिवन एक्सिस है, ये पूंछ है किसकी, पूंछ है, ये पूंछ है हाथी की। कौन है हाथी यहां पर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करेंगे वहां उसकी पूंछ तो जरूर उसके साथ चल के जाएगी, उसके साथ साथ अबाउट द गिवन एक्सिस हम जरूर बताएंगे, अबाउट द गिवन एक्सिस तो लिखना ही पड़ेगा, अबाउट द गिवन एक्सिस नहीं लिखा तो बात रह जाएगी अधूरी। यहां तक की बात ईमानदारी के साथ किसको समझ आई है, ये बना हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब फिर हम बात वापस वहीं लेकर आएंगे जहां से हमने निकाली थी इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, ये हमने जबरदस्ती यहां इस इतनी बड़ी फिगर को जबरदस्ती हटाया था आई से, क्योंकि ये पूरी की पूरी एक सिंगल फिजिकल क्वांटिटी, आपने मास रेडियस का स्क्वायर करा, मास से मल्टीप्लाई करा एक पार्टिकल, फिर दूसरे पार्टिकल, फिर तीसरे पार्टिकल, तो सबको आपने जोड़ दिया, तो सबका जोड़ तो एक ही आंसर बनेगा ना किलोग्राम मीटर स्क्वायर में। ये पूरी एक सिंगल क्वांटिटी है, पूरी सिंगल क्वांटिटी, तो इस सिंगल क्वांटिटी को आपने सब्स्टिट्यूट कर लिया कि एक नई फिगर बना दो जी आई, फिर बाद में देखेंगे कि आई है क्या, इतनी बड़ी क्वांटिटी को अलग ना लिखो, इसे एक बना दो, फिर पता चला भाई ये तो आई तो बड़ा जाना पहचाना सा है, ये तो पुरानी रिश्तेदारी निकली आई, इससे रिश्तेदारी क्या निकली आई, अभी तक तो हम पढ़ रहे थे मास, ये तो मास जैसे ही है बिल्कुल, मास का जुड़वा भाई, बस फर्क इतना है कि ये डॉक्टर है, ये इंजीनियर है, इसे बायोलॉजी पसंद थी, इसे मैथ पसंद है, मतलब ये लीनियर मोशन में काम कर रहा है, ये रोटेशन मोशन में काम कर रहा है, लेकिन काम दोनों एक ही कर रहे हैं, अपने बाप के दोनों एक ही बेटे हैं, बढ़िया मजा आ गया। लेकिन अब क्या करें, अब भाई अब वापस ले आओ इसे, जहां कहां से निकला था आई, कहां से निकला था आपका आई, निकल कर आया था कहां से, समेशन फ्रॉम आई इक्वल्स वन, सॉरी आई इज इक्वल्स टू समेशन फ्रॉम आई इक्वल्स वन टू एन एम आई आर आई स्क्वायर किलोग्राम मीटर स्क्वायर, क्योंकि किलोग्राम मास में से आया, मीटर स्क्वायर यहां से निकल कर आया, हाँ सॉरी केजी मीटर स्क्वायर, समझिए बात। अब ध्यान से देखो, जरा ध्यान से देखो, अगर मुझे इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना हो,
इस तरीके से, इस वाले तरीके से। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा ये एम वन लूंगा डिस्टेंस लूंगा, एम टू लूंगा डिस्टेंस लूंगा, एम थ्री लूंगा डिस्टेंस लूंगा। कितने पार्टिकल बनेंगे इसके, इतने 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 इतने, तो इसके अंदर करोड़ों पार्टिकल बन जाएंगे। किस किस की रेडियस लूंगा भाई, किस किस की हिसाब लगाऊंगा, जिंदगी बीत जाएगी पार्टिकल खत्म नहीं होने के। जितने आसमान में तारे उतने इसमें पार्टिकल, जितने समुद्र में रेत के कण उतने इसके अंदर पार्टिकल, कितने पार्टिकल करूंगा इसके। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम इस एम आर स्क्वायर से, एम आर स्क्वायर से तो फाइंड कर ही नहीं सकते। कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल सी बात है भाई, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, जिस एक्सिस के अबाउट फाइंड करना है उस एक्सिस के अबाउट घुमा दो, कितने कितने एंगुलर वेलोसिटी पर घुमा दो, कितने एंगुलर पर घुमा दो, ओमेगा रख दो, 1 रेडियन, एग्जैक्टली 1 रेडियन पर सेकेंड। अब जितनी भी इसकी काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने का अलग तरीका होता है, वो कर लेंगे हम। वो काइनेटिक एनर्जी जितनी भी आ रही है, उस काइनेटिक एनर्जी का दुगना न्यूमेरिकल इक्वल है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, न्यूमेरिकल इक्वल है सिर्फ ये, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी की यूनिट होती है जूल, इसकी यूनिट जूल नहीं है, इसकी यूनिट कितनी है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर यूनिट है। तो इसलिए हम कहेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट गिवन एक्सिस इज इक्वल टू ट्वाइस द काइनेटिक एनर्जी, इज न्यूमेरिकल इक्वल टू ट्वाइस इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन रोटेटिंग एट एन एंगुलर स्पीड ऑफ 1 रेडियन पर सेकेंड अबाउट द गिवन एक्सिस। कुछ ज्यादा जल्दी बोल गया सेंटेंस, फिर से सुनो ध्यान से। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट द गिवन एक्सिस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू ट्वाइस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी रोटेटिंग एट एन एंगुलर स्पीड ऑफ 1 रेडियन पर सेकेंड अबाउट द गिवन एक्सिस। बात इतनी समझ आई, सबको समझ आई इतनी बात?